नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। आज हम लोग एक और वीडियो बनाने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगा जी कि आप लोगों के सपोर्ट और आपका प्यार बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आपके मैसेज रिसीव करके बहुत अच्छा लगता है। मैं 30 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड दिया है उसमें अगर आप भी अपनी फ्री कुंडली रीडिंग के जो हम लोग प्रोसेस चलाते हैं उसमें आप भी अगर अपनी फ्री कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं तो अभी 2 दिन और बचे हैं, तो उसके अंदर अंदर आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर अपने डिटेल जो मैं लिंक में जो टाइटल में अपना नंबर शेयर करता हूँ उसमें व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए अपने, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस वगैरह जो भी मैंने पहले भी बता रखा है। और अगर आप वो वीडियोस नहीं देखते तो व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा जी कि क्या क्या आपको डिटेल प्रोवाइड करने हैं। साइमल्टेनियसली जिनको उन्होंने दे रखा और उनकी सिलेक्शन नहीं हुए प्रीवियसली प्रीवियस सर्कल में, तो वो रिपीट लिखे 30 अगस्त लिख के मुझे भेज दीजिए। मैं ट्राई करूंगा जी कि इस बार आपकी कुंडली सिलेक्ट हो और मैं आपके बारे में, आपके 2 सवालों के बारे में जवाब दे पाऊँ। मैं 2 सवालों के ही जवाब देता हूँ फ्री कुंडली रीडिंग पे, तो आप लोगों को भी 2 सवालों के जवाब मिलेंगे। तो अपने सवाल अपने हिसाब से पूछिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो सोच समझ के पूछिएगा। बहरहाल आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं जी कि मरकरी अगर कैप्रिकॉन लगन में हो और फर्स्ट हाउस में हो तो क्या असर होता है। ऐसे हम लोग मरकरी के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं। अभी अभी हमारे 2-4 और रह गए हैं, तो उसमें अभी हमारा जो सीक्वेंस चला है उसमें हमने सैजिटेरियस तक कवर कर लिया था, तो अब मरकरी का कैप्रिकॉन वाला रह गया था, तो आज हम कैप्रिकॉन के रिगार्डिंग बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मरकरी लगन में हो तो क्या असर देता है। मरकरी अगर 10वें घर में बैठा हो, पहले घर में हो और लगन उसका 10वां हो तो उसमें क्या रिजल्ट देता है, ये बात आज हम करेंगे। मरकरी अगर कैप्रिकॉन में है तो कैप्रिकॉन सैटर्न का हाउस है, सैटर्न यहाँ का मालिक बनता है, और मरकरी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8th हाउस में, उसका नंबर 3 8th हाउस में लिखा है और भाग्य के स्थान का मतलब 9th हाउस में 6 नंबर लिखा है, तो इन दोनों घरों का मालिक होता है और इनका मालिक होके 1st हाउस में बैठा हुआ है और एक्सपेक्ट जो कर रहा है वो अपने 7th हाउस को कर रहा है। एज 1st हाउस में मरकरी की एक ही दृष्टि होती है तो मरकरी हमेशा 7th हाउस को ही एक्सपेक्ट करता है अपने ऑपोजिट में, तो यहाँ बैठा हुआ मरकरी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे पहला पॉइंट तो पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि मरकरी शनि का मित्र है, पॉजिटिव है, एक अच्छे मित्र हैं। शनि और मरकरी का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, शनि और मरकरी की दोस्ती काफ़ी अच्छी है, और अगर देखा जाए तो त्रिकोण का मालिक होके और यहाँ पे 6 नंबर मरकरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं क्योंकि 6 नंबर इस मरकरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन 3 नंबर, लेकिन दोनों को ही मानते हैं हम इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे जो 6 नंबर है वो भाग्य का मालिक है और भाग्य का मालिक होके मरकरी 9वें घर का मालिक होके पहले घर में बैठा है, और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5, और अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लगन का नवम पंचम के साथ अच्छा योग बनता है, और अगर नवम पंचम का योग बन रहा है और भाग्य का मालिक यहाँ बैठ गया है तो क्या रिजल्ट देगा। एक अच्छा रिजल्ट ये देगा जी कि आपका रिलेशनशिप आपके गुरुओं के साथ, जैसे आपके फादर हो गए या जो भी टीचर हो गए या भी जो सीनियर हैं उनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, उनसे आपको पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। फादर को हम इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, हालांकि हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं लेकिन यहाँ से इसलिए करते हैं क्योंकि फादर हमारे एक तरीके से देखा जाए तो पहले गुरु के तौर पर माना जाता है। हालांकि हर जगह पे ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल कुंडली को देखें तो यहाँ पे फादर आपके एज एन गुरु, आपके टीचर, उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा और आपका भाग्य हमेशा साथ रहेगा। तो नवम घर का मालिक अगर पहले घर में बैठा है तो भाग्य का हमेशा साथ मिलेगा, भाग्य आपके साथ रहेगा, आपको लक का अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तीसरे यहाँ पे 3रा नंबर जो लिखा है वो 6ठे घर का मालिक बनाता है मरकरी को, तो 6ठे घर का मालिक होकर मरकरी यहाँ पे ये जरूर करेगा जी कि हो सकता है आपको लोन या कुछ चीज़ों से आप लोन वगैरह लें लेकिन उससे आप निकलने की ताकत रखेंगे। साइमल्टेनियसली आप कभी भी बीमार पड़ेंगे या कुछ भी होंगे तो बीमार होने के बाद आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, जब आप बीमारी से रिकवर कर लेंगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पे भाग्य का मालिक होकर मरकरी ज़्यादा बैठा हुआ है, यहाँ पे जो बीमारी वगैरह है इनको वो ज़्यादा मेजर नहीं होगी, हल्की होगी, ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाग्य का मालिक है। लेकिन जब भी बीमारी होगी, बीमारी होने के बाद आप जब ठीक होंगे तो देखिएगा आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। हाँ, मरकरी यहाँ पे 1-2 चीज़ों का नेगेटिविटी है, वो प्रिंसिपल
प्रिंसिपली पार्टनरशिप और वाइफ को लेके हो सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि 7th हाउस में मरकरी की जो दृष्टि पड़ी है वो चंद्रमा की राशि पे पड़ी है, चौथे घर पे जो पड़े वो चंद्रमा की राशि पे पड़ी है। हो सकता है वाइफ के साथ आपका मतभेद हो, मेंटल आपका कम्युनिकेशन लेवल उनके साथ अच्छा ना हो, वो ज़्यादा इमोशनल हो और आप ज़्यादा एनालिटिकल हो जाएँ, आप कैलकुलेटिव हो जाए, मैथमेटिकल हो जाए, तो आपकी लैंग्वेज में लॉजिक्स और एनालिटिकल ज़्यादा प्रेशर रहेगा और वो ज़्यादा इमोशनल होंगी। उस कारणवश हो सकता है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो। मरकरी छठे घर का मालिक हो के जब पहले घर में बैठा हुआ है तो इस कारण हो सकता है उनकी हेल्थ को भी लेके प्रॉब्लम हो। आपसे शादी होने के बाद शायद उनको हेल्थ में प्रॉब्लम आई हो, पहले से ही बीमारी थोड़े कोई बीमारी से अफेक्टेड हो, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर शनि शक्तिशाली हुए, अच्छे हुए, तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा नेगेटिव, लेकिन अगर शनि कहीं पे नेगेटिव हुए तो मैलेफिक इफेक्ट्स मरकरी का अच्छे रहेंगे। अगर गुरु पॉजिटिव रहे तो भी अच्छे इफेक्ट रहेंगे, मैलेफिक इफेक्ट कम हो जाएंगे मरकरी के। हालांकि यहाँ पे मरकरी ज़्यादा मैलेफिक इफेक्ट्स नहीं देगा क्योंकि शनि के घर में बैठा है, तो उसकी दृष्टि हमेशा पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, हमेशा नहीं मतलब ज़्यादा हद तक पॉजिटिव रहेगी, कुछ हद तक नेगेटिव रहेगी। तो जो आपकी नेगेटिव मैंने आपको बताया एनालिटिकल पावर और जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और हो सकता है जी कि उनकी उस चीज़ को अगर आप कंट्रोल में कर लें तो आपकी नेगेटिव पावर्स, आप जो मरकरी का नेगेटिव है उससे आप बच जाए। हालांकि यहाँ पे बैठा हुआ मरकरी काफ़ी अच्छा है, 6th हाउस में आपको लोन वगैरह से भी आपको अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, आप लोन से अगर घर वगैरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हालांकि मैं एडवाइज़ नहीं देता हूँ लाइबिलिटी लेने का, लेकिन आप लेना चाहें तो लेके बना सकते हैं। यहाँ पे अच्छा भाग्य का साथ मिलेगा आपको और आपको सपोर्ट कब समहाओ आपको पैसा कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो ये मेरा था कैप्रिकॉर्न लगन में अगर मरकरी पहले हाउस में बैठे तो क्या रिजल्ट देगा। अगर मरकरी का यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट है तो उसका उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, चिड़ियाओं को खाना खिलाना और बुधवार को कुछ हरी पत्ती के हरी चीज़ों का दान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्या बोलते हैं, बर्ड फीड करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है मरकरी में। और अगर पॉजिटिव भाग्य का स्थान हो के मरकरी अगर यहाँ बैठा और इस पर कोई ख़राब प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, कोई नेगेटिव प्लैनेट इसके साथ नहीं है, तो आप इसका पन्ना भी धारण कर सकते हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। Thank you.